लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं संदीप माहेश्वरी की बायोग्राफी, वो भी हिंदी में। संदीप माहेश्वरी आज भारत के सर्वोत्तम एंटरप्रेन्योरों में से एक है। वे इमेजेस बाजार वेबसाइट के सीईओ हैं और उसके संस्थापक हैं, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा इंडियन पिक्चर्स हैं और इस कंपनी के 45 देशों में 7000 से ज़्यादा खरीदार हैं। संदीप जी की सालाना कमाई करोड़ों रुपए, लेकिन संदीप जी अपनी इस इमेजेस बाजार कंपनी की वजह से इतने मशहूर नहीं है जितने की अपनी इंस्पिरेशनल सेमिनार और मोटिवेशनल स्पीच से पूरे वर्ल्ड में सबके चहेते हैं। खास बात तो यह है कि वो ये सारे सेमिनार्स, ये सारी स्पीचेस बिल्कुल मुफ्त करते हैं और उसका कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, और उनका एकमात्र मकसद लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। संदीप ने बहुत ही साधारण शुरुआत की और अनेकों मुश्किलों का सामना किया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते चले गए और आखिर में उन्होंने सफलता प्राप्त की। वे अपनी असफलता से मिले अपने हजारों अनुभव से हजारों लोगों को सफलता दिलाने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं संदीप माहेश्वरी की बायोग्राफी, वो भी हिंदी में। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक बदलाव जरूर लाएगा और आप इससे प्रभावित और प्रेरित जरूर होंगे। संदीप माहेश्वरी का परिवार एल्युमिनियम का बिजनेस करता था, जो कि अचानक रातों रात ठप हो गया और परिवार की सारी आर्थिक जिम्मेदारियां संदीप पर आ गईं। उस टाइम वो केवल 19 वर्ष के थे। तब उस समय संदीप दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी कॉलेज से बीकॉम कर रहे थे और संदीप ने एक आदर्श भारतीय पुत्र की तरह अपने परिवार को आर्थिक संकटों से निकालने के लिए पूरी कोशिश की। उन्होंने एक मल्टी लेवल कंपनी में काम किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में भी काम किया, और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी की जहां से वो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते थे, और बहुत सारी जगह उन्होंने अपना हाथ आजमाया और किसी तरह अपने परिवार को संभालने की कोशिश की। इन्हीं दिनों संदीप को समझ में आया कि पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा जरूरी जीवन के असली महत्व को जानना है। उन्होंने तुरंत कॉलेज गए और कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया और अपनी असली जिंदगी, असली रुचि और जोश को हासिल करने में जुट गए। संदीप की रुचि मॉडलिंग और फोटोग्राफी में थी। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। मॉडलिंग की दुनिया में मॉडल्स के सोशल को देखकर उन पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ और उन्होंने उन जूझ रहे नए नए मॉडल्स की मदद करने की ठान ली। इसलिए उन्होंने एक मेश ऑडियो विजुअल्स नाम की कंपनी खोली जो मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाती थी, लेकिन इस कंपनी में भी उन्हें नाकामी ही मिली। लेकिन संदीप ने हार नहीं मानी और 2002 में अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक और कंपनी शुरू की, वो भी नाकाम रही और मात्र 6 महीनों में ही बंद हो गई। अपने फेलियर एक्सपीरियंस से संदीप ने समाज की मदद के लिए किताब भी लिखी, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सकी। इतनी नाकामियों के बाद तो कोई भी घुटने टेक दे, मगर संदीप का हौसला बुलंद रहा। उन्होंने हार नहीं मानी और लगन से मेहनत करते चले गए। 2003 में उन्होंने मात्र 10 घंटे 45 मिनट में, जी हाँ, 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 शॉट्स लिए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इससे उन्हें काफी लोकप्रियता मिली, मगर उनका ध्यान नहीं भटका और वे आगे बढ़ते गए। इन्हीं दिनों उन्हें अपनी वेबसाइट बनाने का विचार आया जिस पर इंडियन मॉडल्स और फोटोग्राफर्स की पिक्चर हो। वर्ष 2006 में उन्होंने अपनी वेबसाइट इमेजेस बाजार लॉन्च की। शुरुआत में केवल कुछ ही पिक्चर्स थे और कुछ ही फोटोग्राफर थे, मगर आज इस वेबसाइट पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडियन पिक्चर्स हैं और हर साल ये कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही है।
संदीप को पैसे का मोह नहीं है, उनका कहना है कि पैसे की इंपॉर्टेंस उतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अपार सफलता पाने के बाद भी संदीप रुके नहीं और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से युवाओं को प्रोत्साहित करने का मिशन शुरू किया। आज वे जगह जगह मोटिवेशनल सेमिनार और इंस्पिरेशनल स्पीच देते हैं और लाखों लोगों को अपने साकार करने की, अपने सपने साकार करने की इंस्पिरेशन देते हैं। संदीप अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अपने सेमिनारों को वीडियो इंटरनेट पर सभी से शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि वे अपने सभी सेमिनार मुफ्त में करते हैं और इसके लिए किसी से एक पैसा भी नहीं लेते हैं। उनका एकमात्र मकसद लोगों की भलाई करना है। संदीप अक्सर कहते हैं कि आसान है और लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। संदीप को उनके सफल बिजनेस और इंस्पिरेशनल सेमिनार के लिए बहुत सारी बार प्राइजेस, बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और इससे उन्हें पूरे वर्ल्ड में लोकप्रियता और बहुत सारा सम्मान मिला है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि संदीप माहेश्वरी की इस बायोग्राफी और इस जीवन से आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी और आप भी अपने सपनों को साकार करेंगे। उनका जीवन हमें यही सीख देता है कि भले ही कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमें हार नहीं मानना चाहिए और अपने सपनों को साकार करने में लगन से जुटे रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है कि संदीप माहेश्वरी की बायोग्राफी हिंदी में आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और उनके जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ है, उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कोई भी काम करने की? अंदर से जैसे ही एक इंपल्स उठे, कुछ करने का मन करे और आपको पता है कि वो काम आपके लिए करना सही है, उसको कल पे बता दो।